इसका एक प्रश्न यह है कि दशनाम भारतीय समाज जिसमें कि जूना अखाड़ा आदि सभी संप्रदाय आते हैं, उसमें से कुछ गृहस्थ भी होते हैं महाराज जी, जिसमें से गिरी पुरी बन भारतीय आदि होते हैं, तो जो ये गृहस्थ परंपरा है ये चतुर्वर्णों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में किन के अंतर्गत आती है? आप कौन है महाराज जी? बन वन है जी। वन और अनेक कहाँ के सन्यासी होते थे? इसी के विषय में जगन्नाथपुरी जी महाराज, पूरी पीठ से संबद्ध वन और हरणी सन्यासी। सुनिए बैठ, जिनके पूर्वज सन्यासी होने के बाद देवयोग से गृहस्थ हो गए, उनकी परंपरा में आजकल के गृहस्थ वन गिरी आदि हैं। मूल में कभी उन्होंने सन्यास लिया होगा लेकिन पुनः गृहस्थाश्रम को स्वीकार कर लिया, इसलिए उनकी परंपरा में गिरीपुरी आदि सरनेम जिसको कहते हैं उपाधि अंत में लगाने की प्रथा है। दशनामी जो सन्यासी होते हैं उनकी एक विधा है कि देहत्याग के बाद दाह संस्कार उनका नहीं होता। यद्यपि आज समाधि अपने सन्यासी का दाह संस्कार करते हैं सबका, लेकिन दशनामी सन्यासी चूँकि अग्नि का सन्यास करके अग्निहोत्र का विधिवत परित्याग करके ही सन्यास होता है। मूल बात यह है कि मुखजानामयम धर्मो यज्ञ विष्णु लिंग धारुणम, ब्राह्मण का ही सलिंग सन्यास में कासाय वस्त्र दंड इत्यादि के सहित सन्यास में अधिकार, पहले यही प्रथा थी। कालांतर में आनंद गिरि जी आदि के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों ही यज्ञोपवीत संपन्न होने के कारण, यज्ञोपवीत अधिकृत होने के कारण सन्यास लेने लगे, तो किन्हीं गिरिपुरी जो आजकल हैं उनके पूर्वज ब्राह्मण सन्यासी रहे होंगे, किन्हीं के क्षत्रिय किन्हीं के वैश्य, उनको भले ही उसका ज्ञान ना हो, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों जब सन्यास लेने लगे और कालक्रम से सन्यास आश्रम में प्रतिष्ठित न होकर गृहस्थाश्रम में पुनः आ गए या सन्यासोत्तर गृहस्थाश्रम को स्वीकार किया, उनकी परंपरा में गिरि इत्यादि हैं। इसलिए दो प्रकार की प्रथा है, सन्यास की परंपरा के अनुसार उनके यहाँ सबका दाह नहीं होता है, कुछ लोग सबका दाह भी करते हैं, कुछ केवल भू समाधि देते हैं, कुछ केवल जल समाधि देते हैं। जिनके यहाँ जो प्रथा हो उसका निर्वाह करना चाहिए।